राजस्थान की राजनीति में वैसे तो वामपंथी दलों और इनके नेताओं का कोई खास प्रभाव देखने को नहीं मिलता, लेकिन सीपीएम के निवर्तमान विधायक अमराराम इसका अपवाद हैं। एक फायर ब्रांड कम्युनिस्ट नेता के तौर पर अपनी पहचान बनाने वाले अमराराम पिछले 4 चुनाव से लगातार राज्य विधानसभा में अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं। राज्य में एक से अधिक बार विधायक बनने वाले वो सीपीएम के इकलौते विधायक हैं। इस बार अमराराम सीकर जिले के दातारामगढ़ सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। पिछली बार इसी सीट से इन्होंने कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री नारायण सिंह को करीब 5,000 वोटों के अंतर से हराया था। सीपीएम ने इस बार अमराराम सहित 37 उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा है। पिछली बार पार्टी के 34 उम्मीदवारों में से 3 जीत पाने में सफल हुए थे। अमराराम के अलावा सीकर जिले की ही धोद सीट से पेमाराम और गंगानगर जिले की अनूपगढ़ सीट से पवन कुमार दुग्गल चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे, जबकि 29 की जमानत जब्त हो गई थी। राजस्थान में कांग्रेस शासन करती है, भारतीय जनता पार्टी 3 साल चुप रहती है, और भारतीय जनता पार्टी शासन करती है, कांग्रेस 5 साल तक इंतजार करती है, जनता के मुद्दों को नहीं लड़ती। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जनता के मुद्दों को लेकर सड़क से लेकर विधानसभा तक लड़ती है, इसीलिए 1 से 3 किए और अब की बार 2013 के चुनाव में 3 से 33 करेगी। तो राजस्थान सरकार की लगाम भी इस मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लाल झंडे के हाथ में। महज 37 सीटों से अपने उम्मीदवार उतारकर 33 सीटों पर चुनाव जीतने का दावा करने वाली सीपीएम भले ही राजस्थान में बनने वाली अगली सरकार की चाबी अपने हाथ में रखने का ख्वाब देखे, लेकिन विरोधी दल सीपीएम की चुनौती को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। अब वो 33 नहीं 3 थे, वो 0 लगेगा, आज लिख लो 0 लगेगा, 0। सीपीएम के अलावा सीपीआई के भी 23 उम्मीदवार इस बार चुनाव मैदान में हैं। पिछली बार सीपीआई के सभी 21 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। राजस्थान में कांग्रेस और भाजपा के प्रभुत्व के बीच सीपीएम ने पिछले चुनाव में पहली बार 1 से अधिक सीट जीतने में सफलता हासिल की थी और उसके 3 उम्मीदवार चुनाव में जीते थे। पिछले चुनाव में सीपीएम का स्लोगन था 1 से अनेक, और इस बार पार्टी 3 से बढ़कर 33 के लक्ष्य के साथ चुनाव में उतरी है। कैमरा पर्सन विजय शर्मा के साथ निशांत सौरभ, DD News, सीकर।